अभी ये एक बड़ी खबर आई है पीटीआई के हवाले से, तो ये इलाका लंबी पट्टी की ये सियासी शख्सियत हैं मलक वसीम करामत अमान, ये गुज़श्त 4 साल में बड़े पीटीआई में मुतहरक रहे हैं और पीटीआई की रैलियों में और बड़े जलसे जुलूसों में ये बड़े बड़े जुलूस लेकर आते रहे हैं। तो ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ की मरकजी की आदत ने उन पर एतमाद करते हुए ये नॉर्थ पंजाब स्पोर्ट्स एंड कल्चर ये विंग है पीटीआई का, तो ये पूरे नॉर्थ पंजाब का उन्हें सदर नामजद किया गया और ये 8 अजला पर ये मुश्तमिल है ये नॉर्थ पंजाब का तंजीमी डाका स्पोर्ट्स एंड कल्चर का। तो ये चकवाल के लिए सैफी हवाले से मलक वसीम करामत अमान की जगह पर ये मुश्तमिल है ये नॉर्थ पंजाब का तंजीमी डाका स्पोर्ट्स एंड कल्चर का। तो ये चकवाल के लिए सैफी हवाले से मलक वसीम करामत अमान की इसमें नामजदगी एक पीटीआई के हलकों में बड़ा खुशाइन करार दिया जा रहा है कि एक इधर चकवाल के सपूत को इतने बड़े अहदे पर जो है नामजद किया गया। तो ये इधर इनके फोकल पर्सन हैं इमरान खान के स्पोर्ट्स एंड कल्चर के शादमान आलम खान, ये उन्होंने नोटिफिकेशन मलक वसीम करामत अमान के हवाले इधर बड़ी मुख्तसर और पुरवकार तकरीब में इधर इस्लामाबाद के दफ्तर में उनके हवाले किया है। तो बहरहाल ये इस मौके पर शादमान आलम खान ने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस वक्त एक नजरियाती जमात की शक्ल में सामने आई है और इस वक्त 22 करोड़ अवाम की नुमाइंदा जमात पाकिस्तान तरीके इंसाफ है और आने वाला कल पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है। तो इस मौके पर मलक वसीम करामत अमान ने इमरान खान और शादमान आलम खान का शुक्रिया अदा किया और इस यकीन का इजहार किया कि वो जिस एतमाद का इजहार पार्टी ने मेरे ऊपर किया है मैं उस पर पूरा उतरूँगा। तो बहरहाल ये हम आपको दिखा रहे हैं ये शादमान आलम खान ये नोटिफिकेशन और फूलों का हार जो है ये मलक वसीम करामत अमान को पेश कर रहे हैं।